हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस अब कुछ सख्त कदम उठाने के मूड में नजर आ रही है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस इसकी शुरुआत विधायक दल के नेता के रूप में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के बदले किसी दूसरे विधायक को चुनकर कर सकती है। ऐसी चर्चा है कि कांग्रेस पूर्व सीएम चौधरी भजनलाल के बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई को विधायक दल का नेता बनाकर एक बड़ा दांव खेल सकती है। हालांकि चंद्रमोहन हुड्डा गुट से नहीं है, ऐसे में अगर उनको विधायक दल का नेता बनाया गया तो हुड्डा गुट के नेता विरोध कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली में हुई बैठक के बाद राहुल गांधी ने संकेत दे दिए हैं कि पार्टी अब कुछ सख्त कदम उठा सकती है। प्रदेश में मिली हार के बाद दिल्ली में हुई बैठक में राहुल गांधी ने किसी का नाम लिए बिना कहा था कि हरियाणा में कुछ नेताओं के हित पार्टी से ऊपर हो गए। राहुल के इस बयान के बाद पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा दोनों ने ही चुप्पी साध ली। लेकिन राहुल के बयान के मायने तो यही है कि हरियाणा कांग्रेस में अब हाईकमान बड़े बदलावों की ओर देख रहा है और इसकी शुरुआत विधायक दल के नेता, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस प्रभारी के बदलाव से की जा सकती है। चंद्रमोहन का नाम आगे करने से कांग्रेस को सबसे बड़ा फायदा गैर जाट वोटों के रूप में मिल सकता है। इसके अलावा चंद्रमोहन बिश्नोई हरियाणा में कांग्रेस के अनुभवी विधायकों में से एक है। चंद्रमोहन की गिनती सैलजा गुट में शामिल नेताओं में होती है। साथ ही उनका कद हरियाणा की राजनीति में इसलिए भी बड़ा है क्योंकि उन्होंने शहरी सीट से चुनाव जीता है। चंद्रमोहन ने पंचकूला जैसी सीट से बीजेपी के स्पीकर रहे ज्ञानचंद गुप्ता को हराया है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट।